सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं और मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है और मेरी फर्स्ट पेमेंट आने में, मतलब कि फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है, ये सब कुछ मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, बाकी यूट्यूबर की तरह मैं अपने इस फर्स्ट पेमेंट की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा एंड आपको शॉर्ट में अपने फर्स्ट पेमेंट की जर्नी को बताऊंगा। सो वीडियो को इस चैनल पर आपको टैक्स रिलेटेड वीडियोस और ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने से फर्स्ट पेमेंट आने तक का मुख्य मुख्य भाग बताता हूँ, जो कि दोस्तों आपको भी आगे काम आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना यूट्यूब चैनल 9 फरवरी 2020 को बनाया था। नॉर्मली जो बाकी यूट्यूबर होते हैं तो वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर पैसा कमाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने एक मिस्टेक कर दी थी अपने चैनल पर, तो उसी मिस्टेक की वजह से मेरी फर्स्ट पेमेंट आने में ही मुझे 3 साल लग गए, ठीक है ना। तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने उस मिस्टेक को एक अलग से वीडियो में कवर किया हुआ है। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी गलती थी, उस वीडियो की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना चैनल यूट्यूब पर 9 फरवरी 2020 में ही बना लिया था, बट मुझे 3 साल लग गए। जी हाँ दोस्तों, 3 साल लग गए। अब वो 3 साल इसलिए लग गए क्योंकि दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक नहीं कई ऐसी मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे इतना टाइम लग गया। मेरे गांव से कोई भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता है, तो दोस्तों मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और स्टार्टिंग में हम कितना भी यूट्यूब पर वीडियो देख लें तो फिर भी हमें मन की संतुष्टि नहीं होती है और हम स्टार्टिंग में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैनल अक्टूबर 2021 में ही मोनेटाइज हो गया था, बट मेरी फर्स्ट पेमेंट अभी 2022 में मार्च के महीने में आई है, वो भी कल आई है दोस्तों, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम लगा तो इसकी वजह दोस्तों सिर्फ एक ही है, वो कि जो कि मैंने छोटी छोटी मिस्टेक की थी, फिर उन मिस्टेक्स को मैंने सुधारा और उसके बाद मैंने चैनल पर सही तरीके से काम किया और फिर मेरे के बाद दोस्तों मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर काम करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी की पेमेंट 21 तारीख को रिलीज कर दी जाती है, ओके। अब दोस्तों चाहे वो किसी की फर्स्ट पेमेंट हो या फिर सेकेंड पेमेंट हो या फिर थर्ड पेमेंट हो या फिर फोर्थ पेमेंट हो या फिर लास्ट पेमेंट ही क्यों ना हो, बट 21 तारीख को ही रिलीज होती है हर महीने की, और आने में यानी कि 5 दिन का टाइम लगता है सभी के अकाउंट में आने में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट पेमेंट भी इसी महीने की 21 तारीख को रिलीज हो गई थी, और जैसे ही आपकी पेमेंट यानी कि फर्स्ट पेमेंट रिलीज होती है किसी भी महीने की हो, तो गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक ईमेल आता है और उस ईमेल में लिखा हुआ होता है कि आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यदि आपका 4 से 5 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है तो आप लोग जा करके अपने बैंक में संपर्क करें, ठीक। तो इस तरह से आपको एक ईमेल आती है, तो मैंने ईमेल पढ़ी और मुझे लगा कि एक ईमेल मेरे फ़ोन नंबर में भी एसएमएस आएगा बैंक की तरफ से, जो कि आता है पैसे आने जाने का, ठीक है। सो मैंने वेट करता रहा और वेट करने के बाद 4-5 दिन हो गए, क्योंकि ईमेल में लिखा था कि आपको बैंक तभी जाना है लगभग 4-5 दिन के बाद, ठीक है। यदि आपके बैंक खाते में पैसा नहीं जाता है तो आपको 4-5 दिन के बाद ही बैंक में जाके संपर्क करना है। तो मैंने 5 दिन रुका और 5 दिन रुकने के बाद फिर मैं अपने बैंक गया, ठीक है। बैंक मैनेजर से अपने बैंक खाते की पासबुक दी और पासबुक देने के बाद उसे कहा कि जो मेरा पैसा है यानी कि 21 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, बट मेरे अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया। सो बैंक मैनेजर ने पूछा कि पैसा कहाँ से आया है, किसने भेजा है। सो मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ और गूगल एडसेंस की तरफ से मुझे पैसा आया है मेरे अकाउंट पर, ठीक है। सो उन्होंने देखा, फिर चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में 24 तारीख को आया है, ठीक है, यानी कि 24 मार्च को। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा जो पैसा है वो 21 तारीख को ही रिलीज हो गया था, बट मेरे अकाउंट में 24 तारीख को आया है। तो मैंने बताया है आपको पहले भी कि सभी यूट्यूबर का 21 तारीख को पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है, बट आने में 2-3 दिन 4 दिन लग जाता है, ठीक है। सो इस तरह से मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई। सो फ्रेंड्स, जब उन्होंने बताया मुझे कि आपके पैसे आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है ना, कि कम से कम चलो मेरी मेहनत का कुछ तो रिजल्ट मिला मुझे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। तो यूट्यूब की तरफ से ये इलीगल माना जाता है कि आप डायरेक्टली किसी को पेमेंट नहीं बता सकते अपनी फर्स्ट पेमेंट या सेकंड पेमेंट, ठीक है ना। बट अपने पेमेंट से रिलेटेड जितना आपका पैसा आया उस पेमेंट से रिलेटेड आप दूसरा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो गर्मियों का सीज़न है तो मैंने कैलकुलेशन किया था, तो जिसके हिसाब से मैं अपनी फर्स्ट पेमेंट में
₹10 वाली 780 आइसक्रीम खा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये मजाक लग रहा होगा, मैं किसी और चीज़ का भी एग्जांपल आपको दे सकता था, बट मैंने फ़न के लिए, थोड़े से मजे के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है कि यदि आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है मुझसे पूछने की, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डायरेक्ट रिप्लाई दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फर्स्ट पेमेंट तक की पूरी कहानी। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।